नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माई गार्डन टाइम में। और ये है पेडिलेथस का प्लांट और इसको जो है डेविल बैकबोन भी कहते हैं। तो इसमें तीन वैरायटी आती है, ये वेरिएटेड है मेरा। इसके अलावा एक फर्न स्टाइल में आता है, वो भी बूस्टर्न फर्न जैसा होता है उस टाइप से मिलता जुलता सा होता है। और एक डार्क लीफ होती है उसकी, बहुत डार्क बिल्कुल प्लेन होती है, तो एक वैरायटी उसकी ये भी आती है। तो फिलहाल आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो ये प्लांट देखिए, ये जो देखने में बड़ा सुंदर सा है, आप चाहें तो इसे अपने किसी पॉट में भी लगा सकते हो और आप चाहे तो अपने गार्डन में लगा सकते हो। तो मैंने इसको मटके में लगाया हुआ है। गर्मी में फ्रेंड्स आते हैं ना पानी वानी के लिए, मटके में हमेशा हर गर्मी मंगाती हूँ, तो अगर वो टूट जाता तो बात अलग है, उसको किसी और तरीके से, अगर ये इस तरह से रहता है साबुत, तो मैं इसमें नीचे होल करके उसमें प्लांट लगा लेती हूँ। तो इस तरह का मेरा एक और है, उसे मैंने लगाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको इस तरह से देखिए कितनी सुंदर पत्तियाँ लग रही हैं और कितना भरा भरा सा लग रहा है। तो अब देखिए इसमें इसकी पत्तियाँ हल्की सी पिंक सी होती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी पिंक पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी होती है, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगी, वरना ऐसे नहीं दिखेगी जनरल आपको। ये देखिए मैंने अपना दूसरा भी यहीं रख दिया आपको दिखाने के लिए, कि मैंने दो मटके यहाँ पर रखे हैं। और देखिए हल्की सी पिंक दिख रही है, शायद आपको शो हो जाए, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें जो है इसकी मिट्टी पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी मिट्टी जो है वो नॉर्मल मिट्टी लीजिए, और आप अगर पॉट में लगा रहे तो सैंड का इस्तेमाल करिए और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए। और अगर आप गार्डन लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉर्मली आपकी जो गार्डन मिट्टी है उसमें आराम से सर्वाइव कर जाएगा। इस प्लांट को धूप चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, जैसे मई जून की गर्मी होती ना उसमें, तो तेज़ धूप में इसको मत रखिए, हल्का सा शेडेड एरिया में रखिए। और गर्मियों में जो है ना, अभी तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग, जैसे जैसे जाड़े आएंगे वैसे वैसे सारी जो पत्तियाँ वो गिर जाएंगी, तो गिरने के बाद देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल गिर जाती हैं फ्रेंड्स, एकदम गिर जाती हैं, बिल्कुल डंडियाँ रह जाती हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि सूख गया है प्लांट, पर सूखता नहीं है वो, बाद में जैसे फिर से गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ये फिर से भर जाता है। तो इस तरह से ही आपका प्लांट जो है हरा भरा हो जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं कि आपका प्लांट जो है ख़राब हो गया, सूख गया, ऐसा कुछ नहीं है। और अब बात कर लेते हैं इसमें इंसेक्ट वगैरह की, जिसमें इंसेक्ट लग जाता है, बग्स का अटैक होता है, तो आप इसमें जो है वही नॉर्मल जैसे नीम ऑयल का स्प्रे में हमेशा करती हूँ अपने हर प्लांट्स में, वैसे इसमें भी करिए, 15-15 दिन पे हमेशा करिए। आप वेट मत करिए कि आपके प्लांट्स में जो है ख़राब हो रहा है तभी आप उसको करिए, 15 दिन के अंतर पे आप करते रहिए। और आप चाहे तो इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइज़र जो आप हर प्लांट्स में देते हैं वही फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको भी दे दीजिए। आप साल भर में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं, वो जैसे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप इसकी केयर करिए, और केयर करेंगे तो बड़ा सुंदर सा आपका गार्डन भी बना रहेगा। और ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए इस प्लांट को, बहुत हल्का से मेंटेनेंस, वही आपका मिनी बग का थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का है, तो बस वही है, बाकी ज़्यादा मेंटेनेंस वाला प्लांट नहीं। और देखिए कितना भरा भरा बहुत सुंदर लगता है, इसमें खाली पसंद नहीं है, देखिए इसमें बारिश हुई तो थोड़ा सा पानी से भरा हुआ है, तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी इसकी होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसको कटिंग्स आप इजीली लगा सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ से कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ, आपको दिखाने के लिए यहाँ से ऐसे ही कट करके ऐसे लगा के दिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। और जब लगाइए तो थोड़ा ध्यान से आप इसको लगाइए, क्योंकि इसमें एक लिक्विड सा वाइट वाइट सा लिक्विड निकलता है, देखिए दिख रहा हो आपको, तो थोड़ा सा ये पॉइजन होता है थोड़ा सा, तो जो छोटे बच्चे जिनके यहाँ हैं वो जरा सा इसका ध्यान जरूर रखें कि छोटे बच्चों से इस प्लांट को दूर रखें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूर ध्यान रखें। देखने में जितना सुंदर प्लांट है वो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों से इसको जरूर से दूर रखिए। बस ज़्यादा इसकी यही है, बस ज़्यादा इसकी कोई बहुत मेंटेनेंस बहुत केयर नहीं करनी है, यही बस छोटी सी केयर करनी है। और धूप आप इसको शेडेड एरिया में रखिए, बहुत तेज़ धूप मत रखिए, और सर्दी में तो आप इसे रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है छोटे फ्रेंड्स, और इस तरह से जो है आप इसको जो है कटिंग से बिजली लगा सकते हैं। तो मेरा 2 साल से मेरे पास लगा हुआ है, और देखिए कितने अच्छे से लगे, देखिए मेरी पिंक पत्तियाँ आपको दिख रही होगी, देखिए मैं ये दिख गई है, ये देखिए हल्की सी पिंक होती, बिल्कुल पिंक नहीं थी, बहुत हल्की सी, और कुछ पत्तियाँ ही होती, सब पत्तियाँ नहीं होती, तो हल्की सी पिंक सी होती, सब पत्तियाँ नहीं होती। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा प्लांट्स, बस इसी तरह से आपको इसकी थोड़ा सा केयर करनी है, और इसी तरह से जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है प्लांट्स। तो आप चाहें तो इसको कई सारे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी मतलब बना सकते हैं, कटिंग से ही बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे रखना चाहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये छोटी सी केयर टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तो ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय फ्रेंड्स।